Are you paying too much for your flights and hotels? Do what my company did. ये voice आपको क्या सुना सुना लग रहा है? ठीक है, मैं और एक voice आपको सुनाता हूँ। शिल्पा और अनीता ने एली को इलाज के लिए बुलाया है। अब क्या सुना सुना सा लग रहा है? जी हाँ, ये है बिग बॉस का voice। बिग बॉस कौन है? सलमान खान? नहीं, सलमान खान तो बिग बॉस नहीं है। सलमान खान तो है बिग बॉस का होस्ट। हम जो गला सुनते हैं, बिग बॉस चाहते हैं, बिग बॉस ये चाहते हैं, बिग बॉस वो चाहते हैं। ये जो गला है, ये है गला है बिग बॉस का। तो ये गला किसका है? इस गले के पीछे राज क्या है? चलिए मेरे साथ रहिए लाइव में और मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा। बिग बॉस का जो ये वॉइस है, ये वॉइस एक्चुअली एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट का है, जिनका उम्र अभी 43 इयर्स हो चुका है। नाम है अतुल कपूर। 2002 साल से अतुल कपूर ने अपना वॉइस डबिंग करियर स्टार्ट किया था। इससे पहले वो प्राइवेट जॉब करते थे। अतुल कपूर बिग बॉस का वॉइस के अलावा भी बहुत सारे वॉइस देते हैं, जैसे कि आयरन मैन में जर्विस का वॉइस, शार्लोक होम्स में, इवन टॉय स्टोरी में भी अपना वॉइस दिया है। इसके अलावा भी वो पूरे साल बहुत तरीके का एड, टीवी शोज और रेडियोज भी करते हैं। और जब से अतुल कपूर को हायर किया जाता है, तब से अतुल कपूर बिग बॉस के प्रीमिसेस में ही रहते हैं। जैसे कॉन्टेस्टेंट को 4 महीने रहना होता है लगभग, यानी अराउंड 100 दिन, अतुल कपूर को भी वहाँ पर उतना दिन ही रहना होता है। और अतुल कपूर का ड्यूटी सबसे कठिन है, क्योंकि रात में भी कभी ऐसा हो सकता है बिग बॉस को कुछ कहना हो सकता है। मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, अतुल कपूर को कहा गया आप उठ जाइए और इसे ये कह दीजिए। अतुल कपूर के लिए अलग स्क्रिप्टर रहते हैं, लेकिन स्क्रिप्टर शिफ्टिंग में काम करते हैं, लेकिन अतुल कपूर का वॉइस वो तो डब नहीं हो सकता है और किसी के द्वारा। इसके लिए दिन हो या रात, हमेशा अतुल कपूर का वही रहना होता है एक सीक्रेट रूम में, जहाँ से रिकॉर्डिंग रूम एकदम नजदीक रहता है। और जब भी वो चाहे या जब भी बिग बॉस वाले चाहे, उनका वॉइस रिकॉर्ड करके सुना सकते हैं घर में। हालांकि अतुल कपूर को एकदम अनुमति नहीं है बाहर की दुनिया के साथ बिग बॉस के बारे में बातचीत करने का। 2006 साल से अतुल कपूर बिग बॉस का वॉइस देते हुए आ रहे हैं। इससे पहले कलर्स टीवी में वो जुड़े थे 2003 साल से। तब से बिग बॉस का जब ऑडिशन हुआ, वहाँ पर ऐसे ही वो चले गए थे ऑडिशन देने, और वहाँ पर वो सिलेक्ट हो गए थे क्योंकि बिग बॉस वाले को उनका वॉइस बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, बिग बॉस का वॉइस आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ये भी लिखिए बिग बॉस के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।